हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भूमिका मेकओवर से आज मैं आपको दिखाती हूँ कि आप फेस वैक्स कैसे करें। इनकी बहुत सेंसिटिव स्किन थी, इनकी स्किन पे काफ़ी एक्ने थे, तो मैं हमेशा यही बोलूँगी आपको, जब भी एक्ने वाली स्किन हो तो उस पर आप चॉकलेट या हनी वैक्स या एलोवेरा वैक्स करें, ना कि रीका वैक्स करें। क्योंकि देखिए, रीका वैक्स करने से फेस पे पील होता है, हमेशा स्किन जलती है, स्किन निकल जाती है बिल्कुल। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, रीका वैक्स उनके लिए बहुत ठीक है जिनके फेस बहुत ज़्यादा, जिनकी ग्रोथ हार्ड होती है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए, इनकी स्किन पे काफ़ी एक्ने थे और बहुत सेंसिटिव स्किन थी, तो इसलिए मैंने इनके फेस पे हनी वैक्स की। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको पाउडर लगाना, सबसे पहले आपको बैंड लगा के पूरे बालों को अच्छे से, जैसे मैंने आपको वीडियोज़ में दिखाया है, अच्छे से पिनअप कर लें। उसके बाद आपको पाउडर लगा के वैक्स लगानी है। और हमेशा ये ध्यान रखें, जब आपको लगता है कि इनकी स्किन सेंसिटिव है, तो हमेशा आप एक बार वैक्स लगाने के बाद उसके ऊपर टेलकॉम पाउडर लगाएं, उसके ऊपर दोबारा से वैक्स लगाएं, तो आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको दोबारा से उस पर वैक्स लगानी पड़े। जो छोटे भी बाल होंगे वो भी बहुत ईजिली निकल जाएंगे, कितनी भी हार्ड ग्रोथ हो, इस तरीके से आप वैक्स लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ग्रोथ निकलेंगी। जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप अगर वैक्स लगा के आप वैक्सिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से फेशियल हेयर निकलेंगे। इनके काफ़ी ग्रोथ जो थी काफ़ी हार्ड थी, बट इनको रीका वैक्स भी नहीं करानी थी, क्योंकि उन्होंने पिछली बार रीका वैक्स कराई थी कहीं से, तो इनकी स्किन पील हो गई थी। तो ये हमेशा ध्यान रखें, हनी वैक्स जब भी करें आपको, और काफ़ी कितनी भी हार्ड ग्रोथ हो, अगर आप इस तरीके से वैक्स को अप्लाई करेंगे तो आपको दोबारा वैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये देखिए, और हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप वैक्स लगाएं छोटी छोटी स्ट्रिप काट के रखें, और हमेशा वैक्स को नॉर्मल रखें, ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि देखिए फेस का मामला है, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें। बिल्कुल नॉर्मल हनी वैक्स मैंने इनको की है, ये देखिए इस तरीके से। और जिस डायरेक्शन में आप वैक्स लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको ग्रोथ को खींचना है। और हमेशा ये ध्यान रखें, जब भी आप वैक्स करें फेस को अपने, मतलब या तो आप क्लाइंट से बोलें कि अच्छे से उसको स्ट्रेच कर लें, या आप अपने हाथों से अच्छे तरीके से उसको स्ट्रेच करके करें। और देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि फेस हो या कुछ भी हो, आपको वैक्सिंग फेस पे नहीं करानी चाहिए। बट हाँ, कई लोगों को जैसे ब्लीच नहीं पसंद है कि उनको गोल्डन लगता है, तो वो कराएं, वरना वैसे फेस पे, हाँ जी, जैसे कईयों को गोल्डन नहीं पसंद तो आप वैक्स करा सकते हैं। बट जब भी ये ध्यान रखें, हमेशा अगर एक्ने वाली स्किन है तो हमेशा एलोवेरा वैक्स या हनी वैक्स कराएं, ना कि रीका वैक्स कराएं। ये देखिए जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ, मैं इनको भी बोल रही हूँ आप अपनी स्किन टाइट करके रखें। और आप अगर क्लाइंट नहीं कर पाता है तो आप अपने हाथों से उनको स्किन को टाइट करके, और हमेशा देखिए, जब भी आपको कितनी भी हार्ड ग्रोथ हो, अगर आप डबल वैक्स करके लगाएंगे तो आपको दोबारा वैक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ही इजीली वैक्स से सारी बात निकल जाएंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ, स्किन रेड ज़रूर होगी बट एक एक बाल बहुत अच्छे से फेस का निकलेगा इनका, ये देखिए इस तरीके से। और देखिए, हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप फोरहेड वगैरह की वैक्स करते हैं तो हमेशा आईब्रोज़ को आप अपने अंगूठे की हेल्प से इसको ढक लें, ना कि इस पर वैक्स लगी, या वैक्स अगर स्ट्रिप में लगी रह गई तो आईब्रोज़ के ऊपर लगी तो आईब्रोज़ हटने का डर होता है। तो देखिए जिस तरीके से मैं आपको वीडियोज़ में दिखा रही हूँ कि मैंने आईब्रोज़ के ऊपर अपना हाथ रख लिया है, कि कहीं गलती से भी वैक्स की स्ट्रिप या कुछ भी उनकी वैक्स से आईब्रोज़ को कोई नुकसान ना हो। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बाल निकल रहे हैं, ये देखिए। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें, और हमेशा ही ध्यान रखें, जब भी आप वैक्स करते हैं तो फेस को जिस डायरेक्शन में बाल हों आप उसी डायरेक्शन में आपको हेयर निकालने हैं। अब देखिए, दो हिस्से में कई बार होते हैं कि इस तरफ है तो उसके अपोजिट साइड आपको वैक्स लगानी है और उसके अपोजिट साइड आपको वैक्स खींचनी है। हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखें। ये देखिए जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ इनको, मैंने इनको एक ही बार में, इनके इतने हार्ड ग्रोथ थी, रीका वैक्स ये कर नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं कि हनी वैक्स से भी कितने अच्छे तरीके से आप बाल निकाल सकते हैं। कई क्लाइंटों को दिक्कत होती है कि इस नॉर्मल वैक्स से फेस के बाल नहीं निकलते हैं जिनके हार्ड होते हैं, तो आप इस तरीके से अप्लाई करोगे तो बहुत ही ईजिली आपको वैक्स से बाल निकलेंगे फेस के, हाँ जी। और देखिए जिस तरीके से मैं नॉर्मली मैं कोशिश करती हूँ, मेरे जो रेगुलर क्लाइंट है, जो मैं अपने कस्टमर का काम करती हूँ, मैं वो आपको दिखाएँ कि हम किस तरीके से काम करते हैं। और मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मन करता है कि वीडियोस और बनाई जाएं। तो इस तरीके से ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने पूरे फेस के बहुत अच्छे तरीके से मैंने
इस तरीके से हनी वैक्स से इनका बहुत ही अच्छे तरीके से इनके मैंने बाल निकाले। उसके बाद आप अपने बर्फ़, देखो सर्दियों में लोग नहीं लगाना पसंद करते, तो आप ठंडे पानी से टिश्यू को गीला करके पूरे फेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर ले, नेक वगैरह को जो भी आपने निकाले हैं, जिस तरीके से देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, मैंने इनके पूरे फेस पे अच्छे से वैक्स करने के बाद उसको क्लीन किया है जिस तरीके से दिखा रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप वैक्स करते हैं तो कोशिश करें जेल लगाएं, आप क्रीम ना लगाएं। देखिए क्रीम से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ऑलरेडी वैक्स से बहुत ज़्यादा हीट हो रही होती है फेस पर, आप उसके बाद क्रीम लगाएंगे तो एक्ने या पिंपल वगैरह किसी चीज़ की प्रॉब्लम होने का, हमेशा आप जेल लगाएं। ये देखिए मैंने इनको लोटस का जेल लगाया है जिससे कि फेस पे बहुत ठंडक मिलेगी। आप लोटस की जगह कोई और भी जेल लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक यही कंपनी का कोई भी है, पर आप जेल लगाएं जिससे कि ठंडक मिले। और अपने कस्टमर को जब भी आप वैक्स करके भेजते हैं तो उनको बोलो कि 10 मिनट बाद जाके आप ठंडे पानी से अपना मुँह धो लें, ठीक है ना। हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखें जब भी आप ये छोटी छोटी चीज़ें, वरना कई बार ऐसा होता है वैक्स करने से लोगों को बहुत पिंपल की प्रॉब्लम होती है बहुत चीज़ों की। तो ये देखिए, अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब।